हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार क्लाइंट की ऐसी डिमांड होती है कि वो चाहता है कि घर के बाहर तो वायरिंग हो जाए जहाँ पर हमने कैमरे लगाने हैं, बट घर के अंदर कोई भी वायर ना आए। और उस केस में आपको पता है कि DVR सिस्टम तो आप वैसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी सारी वायर DVR तक आएगी। तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ IP कैमरास और NVR सिस्टम को लगा सकते हैं। अब उसमें हम नेटवर्किंग के थ्रू इस तरह की कंडीशंस बना सकते हैं कि सारी वायर आपके NVR तक ना आए। तो वही आज के इस वीडियो में हम करेंगे। हम एक राउटर के थ्रू सारी सेटिंग करेंगे ताकि कोई भी वायर NVR तक ना आए। एक POE स्विच हम लगाएंगे IP कैमरास के पास और सारी वायर उस POE स्विच तक आएगी। उसके बाद उस POE स्विच से हम एक वायर राउटर तक लेंगे। वहाँ पर मेन राउटर लगा हुआ है जियो का, तो वहाँ तक हम एक वायर लेके जाएंगे और उसके बाद वायरलेसली हम NVR से कनेक्ट करेंगे और सारे कैमरे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, IP कैमराज को इंस्टॉल करने के बाद हमने POE स्विच यहाँ पर लगा दिया है। IP कैमराज से सारी वायरें POE स्विच के डाउनलिंक में आ रही है और उसके बाद अपलिंक से एक वायर जा रही है हमारे जियो के राउटर पर जो कि ऊपर लगा हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है LAN केबल POE स्विच से और यहाँ पर हमारा जियो का राउटर लगा हुआ है। तो हमने सिंपली क्या करना है, देखिए ये केबल इंसर्ट करनी है इस राउटर में, यहीं तक की हमें केबलिंग अलाउड है। तो POE स्विच से हम एक केबल यहाँ तक लेके आए हैं, बाकी सारी केबल POE स्विच में ही लगी हुई है। और अगर मैं आपको TV बताऊँ, TV उस रूम में है, वहाँ तक हमें कोई भी केबल ले जाना अलाउड नहीं है, सिंपली यहाँ तक केबल आएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट से प्लग इन करता हूँ राउटर के LAN पोर्ट में इस केबल को। तो ये मैंने राउटर उतार लिया है और यहाँ पर देखिए बैक साइड में इसके सारे LAN पोर्ट दिए गए हैं। अब इन्हीं LAN पोर्ट में हमें जो हमारी LAN केबल है जो POE स्विच से यहाँ तक आई है उसको इंसर्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो हमारा हाफ काम हो चुका है, हमने POE स्विच से एक केबल इस राउटर में लगा दिया, यानी कि POE स्विच में जितना भी डाटा है वो इस राउटर में आ जाएगा। अभी POE स्विच में केबल नहीं लगी है, इसी वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आई है। तो आपको पता होगा जो जियो का राउटर है उसका जो IP एड्रेस होता है वो 29 की सीरीज़ में होता है। तो हमने जितने भी हमारे IP कैमराज हैं उनकी भी जो सीरीज़ है वो 29 की ही रखी है, ताकि डाटा ईजिली कनेक्टिविटी हो सके इस राउटर के साथ हमारे POE स्विच की और IP कैमराज की। तो इतना यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर ये टेंडा का राउटर है जो हम यूज़ करेंगे और साथ में हमारे पास धौआ का NVR है, 4K NVR। अब इन दोनों के साथ ही हम जितने भी IP कैमराज है वो इस स्क्रीन पर चलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी केबलिंग नहीं आएगी, सिंपली हमने NVR को पावर देनी है और राउटर को पावर देनी है। तो सिंपली हमने टेंडा के राउटर को कॉन्फ़िगर करना है यूनिवर्सल रिपीटर मोड में जियो के मोडम के साथ। उससे सारा डाटा जितने भी IP कैमराज का IP है वो इस राउटर में आ जाएगा और उसके थ्रू NVR में ऐड हो जाएंगे सारे IP कैमरे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो जगह है वो जियो के मोडम से कितनी दूर है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जियो का मोडम लगा हुआ है और देखिए यहाँ पर सिंपली एक वायर आई हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं आ रही है। यही IP कैमराज का फ़ायदा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक NVR लगाया है, एक राउटर लगाया है और NVR से एक LAN केबल हमने राउटर में कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वायरिंग नहीं है। अब जो हमारा जियो का मोडम है वो इस टेंडा के राउटर से कनेक्ट है, तो जितना भी डाटा है वो इस राउटर में आ जाएगा और राउटर के थ्रू NVR में आ जाएगा और उसके बाद हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अलग से इन दोनों के बीच में, यानी कि जो जियो का मोडम है और जो टेंडा का राउटर है, उनके बीच में कोई भी केबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सारे IP कैमरे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो देखिए आप, कोई भी लैगिंग नहीं आ रही है और बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। तो पहले हम सेटअप वहाँ पर करने वाले थे, वहाँ पर जो TV है, अब उसके HDMI पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम वहाँ पर सेटअप नहीं कर पाए। तो हमने सिंपली अपना NVR उठाया और राउटर उठाया और उसको लेके इस रूम में आ गए और इस TV पर कनेक्ट कर दिया। तो यही IP कैमराज का फ़ायदा है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर हमने एक LAN केबल लगाई है राउटर से NVR को, एक HDMI लगाई है जो कि स्क्रीन में जाएगी और उसके बाद यहाँ पर हमने पावर दी है, यानी कि दो एडेप्टर के थ्रू NVR को पावर दिया और राउटर को पावर दिया। सिर्फ इतनी ही वायरिंग यहाँ पर है, इसके अलावा कोई भी वायरिंग नहीं है और हमारे IP कैमराज डिस्प्ले हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है।
सो गाइस देखा आपने आईपी कैमरा एनवीआर सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। एनवीआर को आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो विद इन अ नेटवर्क, अगर आपने नेटवर्किंग प्रॉपरली की है तो। तो आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने आपको सारी सेटिंग्स तो नहीं दिखाई, क्योंकि क्लाइंट के यहाँ पर सारी सेटिंग दिखा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं इस वीडियो को प्रॉपरली आपको दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में ही सारी सेटिंग करूँगा और वो आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये सब कुछ करते हैं। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि मैं आपको प्रॉपरली सेटिंग करवाऊँ, या फिर अगर आप समझ चुके हो तो भी आप कमेंट कीजिए कि किस तरह से हम ये सारी सेटिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।